हाय फ्रेंड्स, आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ वन प्लस नॉट सी 4 के प्रोसेसर के साथ, जो कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 है, वर्सेस रियलमी GT 60 के प्रोसेसर के साथ, जो कि है स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 3। तो देखते हैं कि आज इन दोनों प्रोसेसर के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 7 Gen 3 बेटर होता है या फिर स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 3। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टिक रूम। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले अनाउंस डेट की। तो 7 Gen 3 अभी हाल ही में अनाउंस किया गया था मार्च 2024 में, एंड 7 Gen 3 नवंबर 2023 में अनाउंस किया गया था। क्लास की बात की जाए तो यहाँ पे मिड रेंज दोनों ही प्रोसेसर आते हैं। मॉडल नंबर में 7 Gen 3 का मॉडल नंबर है SM7550AB, एंड 7 Plus Gen 3 का मॉडल नंबर है SM7675। अब देखते हैं यहाँ पे आर्किटेक्चर को। तो आर्किटेक्चर वाइज दोनों ही प्रोसेसर ऑक्टो कोर प्रोसेसर है। 7 Gen 3 में फर्स्ट परफॉर्मेंस को 2.63 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स A715 देखने को मिलेगा। थ्री मोर परफॉर्मेंस को 2.4 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स A715 देखने को मिलेगा, एंड लास्ट फोर कोर 1.8 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स A510 देखने को मिलेगा। वहीं पे 7 Plus Gen 3 में फर्स्ट परफॉर्मेंस को 2.8 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स X4 देखने को मिलेगा, फोर परफॉर्मेंस को 2.6 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स A720 देखने को मिलेगा, एंड लास्ट थ्री बैटरी एफिशिएंसी कोर 1.9 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स A520 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं कॉर्टेक्स कंपेयर करूं तो कॉर्टेक्स X4 ही इतना पावरफुल है कि अकेले ये चारों कॉर्टेक्स A715 को पीछे छोड़ दे, एंड बाकी जो इसमें आपको कॉर्टेक्स A720 देखने को मिलता है वो तो कॉर्टेक्स A715 से बेटर है ही, एंड लास्ट बैटरी एफिशिएंसी वाला भी कॉर्टेक्स A520 वो A510 से बेटर है, एंड फ्रीक्वेंसी 7 Plus Gen 3 की वो सब तो बेटर है ही। अब फ्रीक्वेंसी को देखा जाए तो यहाँ पे 7 Gen 3 का फ्रीक्वेंसी है 2630, वहीं पे 7 Plus Gen 3 का है 2800 MHz, तो फ्रीक्वेंसी बेटर है 7 Plus Gen 3 में, एंड 7 Plus Gen 3 का कॉर्टेक्स X4 इतना ही पावरफुल है कि सिंगल को परफॉर्मेंस काफी बेटर देखने को मिलेगी आपको 7 Gen 3 के कंपेयर में। सीपीयू फैब्रिकेशन की बात की जाए तो दोनों ही प्रोसेसर 4 नैनोमीटर TSMC के साथ हैं, तो यहाँ पे वो थ्रॉटलिंग का ऐसा कुछ इशू नहीं देखने को मिलेगा कि सैमसंग एंड TSMC है, दोनों ही TSMC है, दोनों ही 4 नैनोमीटर पे है, तो दोनों ही सेम बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर हुए। अब बताता हूँ यहाँ पे जीपीयू यूनिट। तो जीपीयू यूनिट में 7 Gen 3 में आता है एडनो का 720, जिसका आर्किटेक्चर एडनो 700 है, एंड 7 Plus Gen 3 में आता है एडनो का 732। एडनो 730 अगर आपको याद हो वो 720 से बेटर था, एंड ये है 732, एंड इसका आर्किटेक्चर एडनो 700 है। समझने के लिए तो अभी मैं आगे आपको 3D Benchmark, अंतुतु का GPU, एंड गेम का FPS ये सब तो बताऊंगा ही, लेकिन नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एडनो 732 काफी पावरफुल है 720 से। जीपी फ्रीक्वेंसी की बात किया तो 7 Gen 3 900 MHz पे क्लॉक हो सकता है, एंड 7 Plus Gen 3 950 MHz पे क्लॉक है। बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की, तो 7 Plus Gen 3 1500 GFLOPS की स्पीड शो कर सकता है, जबकि 7 Plus Gen 3 3000 GFLOPS तक जा सकता है। मेमोरी टाइप सपोर्ट की बात किया तो 7 Plus Gen 3 LPDDR5, रैम फ्रीक्वेंसी 3200 MHz, एंड रैम बैंडविड्थ 25.6 GB/s तक जा सकता है, जबकि 7 Plus Gen 3 LPDDR5X, तो रैम टाइप बेटर हो गया, रैम फ्रीक्वेंसी 4200 MHz, तो रैम फ्रीक्वेंसी भी बेटर हो गया, एंड मैक्सिमम रैम बैंडविड्थ 64 GB/s का, तो रैम बैंडविड्थ भी बेटर हो गया। तो ओवरऑल रैम टाइप में 7 Plus Gen 3 ज्यादा बेटर है। वह भी स्टोरेज टाइप की बात की जाए तो 7 Gen 3 में मैक्सिमम UFS 3.1 मिलेगा, एंड 7 Plus Gen 3 में मैक्सिमम UFS 4.0 मिलेगा, तो रीड एंड राइट स्पीड यहाँ पे काफी बेटर मिलती है 7 Plus Gen 3 में। गेमिंग ग्राफिक्स का डेटा बताता हूँ। देखिए 7 Gen 3 मैंने डेटा लिया है वन प्लस नॉट सी 4 से, एंड 7 Plus Gen 3 का मैंने डेटा लिया है रियलमी GT 60 से। बात करें फ्री फायर मैक्स की तो 60 और 90 का सपोर्ट मिलेगा, दोनों ही प्रोसेसर कैपेबल है मैक्स हाई तक जा सकते। एंड BGMI की बात की जाए तो इसमें आपको अभी दोनों प्रोसेसर में 60 का सपोर्ट मिल रहा है, मतलब स्मूथ प्लस एक्सट्रीम, एंड दोनों ही प्रोसेसर मैक्सिमम अल्ट्रा HDR के साथ अल्ट्रा तक जा सकते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में दोनों ही प्रोसेसर 60, एंड मैक्सिमम ग्राफिक्स में 7 Plus Gen 3 में वेरी हाई के साथ मैक्स तक आप जा सकते हैं, एंड 7 Gen 3 में हाई के साथ मैक्स तक जा सकते हैं। वीडियो कैप्चर एंड वीडियो प्लेबैक की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों ही प्रोसेसर सिमिलर है, 4K@60fps का सपोर्ट करते हैं वीडियो कैप्चर एंड वीडियो प्लेबैक में। डिस्प्ले रेजोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा 7 Gen 3 में 3360x1600 pixels का, वहीं पे 7 Plus Gen 3 में 3840x2160 pixels का डिस्प्ले सपोर्ट मिलेगा। NPU दोनों के पास हेक्सागन का ही आता है।
बेसिक कनेक्टिविटी की बात की तो 5G सपोर्ट मिलेगा दोनों में। 4G सपोर्ट में 7+ Gen 3 में LTE Cat 18 मिलता है, 7 Gen 3 में LTE Cat 22 मिलता है। तो बेटर अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड 7 Gen 3 में आएगी, लेकिन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी दोनों में 5.4 की होगी। वाईफाई टेक्नोलॉजी में 7+Gen 3 में Wi-Fi 7 तक का सपोर्ट मिलता है। फोन में आपको 6 का ही अभी दिया गया है, बट प्रोसेसर कैपेबल Wi-Fi 7 तक के लिए। एंड 7 Gen 3 में मैक्सिमम Wi-Fi 6 का ही सपोर्ट मिलेगा। बेंचमार्क स्कोर बताता हूँ, तो गीक बेंचमार्क सिंगल वो परफॉर्मेंस टेस्ट पे 7 Gen 3 का स्कोर आएगा 1140। इसमें आपको कॉर्टेक्स A715 ही खाली मिलता है चारों परफॉर्मेंस स्कोर में, जबकि 7+Gen 3 का स्कोर आता है 1993, मतलब 2000 देखिए इसका नंबर आ जाता है। इसमें आपको सिंगल कोर कॉर्टेक्स X4 मिलता है जो कि 2.8 GHz पे क्लॉक है, एंड ये आपको काफी पावरफुल देखने को मिलेगा। मल्टीकोर परफॉर्मेंस की बात की तो 7 Gen 3 का टोटल स्कोर आएगा 3375 एंड 7+Gen 3 का स्कोर आएगा 5098। तो ओवरऑल यहाँ पे 7+Gen 3 काफी बेटर है 7 Gen 3 के कंपेयर में। अंतुदु बेंचमार्क नंबर को बताता हूँ, यहाँ पे अंतुदु बेंचमार्क नंबर में आप समझ ही गए होंगे कि सीपीयू तो बेटर है 7+Gen 3 का, जीपीयू भी बेटर आपको देखने को मिलेगा 7+Gen 3 में, रैम टाइप भी 7+Gen 3 में बेटर है जो कि LPDDR5X आती है, एंड स्टोरेज टाइप में UFS 4.0 आता है, तो स्टोरेज टाइप भी 7+Gen 3 में ही बेटर है। 7 Gen 3 का टोटल स्कोर आएगा 8,54,000, जिसमें इसका जीपीयू स्कोर रहेगा 2,54,000। 7+Gen 3 का टोटल स्कोर आएगा 14,04,000 एंड इसका जीपीयू स्कोर रहेगा 4,84,000। मतलब जीपीयू तो काफी पावरफुल है ही, एंड इसका टोटल नंबर जो स्कोर आता है सीपी परफॉर्मेंस में वो भी काफी बेटर है। 3D बेंचमार्क स्कोर को देखा जाए तो 7 Gen 3 का टोटल स्कोर आएगा 6,000 एंड 7+Gen 3 का आएगा 10,000। मतलब एड्रेनो 720 का जो स्कोर आता है वो 6,000 है एंड 732 का जो स्कोर आता है वो 10,000 है। मतलब जीपीयू काफी पावरफुल है 7+Gen 3 के पास। यहां तक अगर आप वीडियो देखते हुए आए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना बेटर है 7+Gen 3। तो बस मैं एक छोटा सा कंक्लूजन बताऊंगा कि डिफरेंस कितना बन रहा है, कितने पॉइंट का। देखिए सीपी परफॉर्मेंस में 7 Gen 3 51 पे रहेगा स्कोर करेगा, मैं भी 7+Gen 3 77 तक का परफॉर्मेंस दे सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि परफॉर्मेंस काफी बेटर आएगी, कॉर्टेक्स X4 है, कॉर्टेक्स A720 है, फ्रीक्वेंसी बेटर है, 4 नैनोमीटर TSMC है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात की तो 7 Gen 3 54 स्कोर करेगा एंड 7+Gen 3 89 का स्कोर करेगा। एड्रेनो 732 तो बेटर है ही, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 4 नैनोमीटर TSMC भी मिलता है, बैटरी एफिशिएंट चिपसेट है, लॉन्ग लास्टिंग गेम प्ले आप कर सकते हैं। बट अगर आप परफॉर्मेंस सीरीज की बात करेंगे तो कॉर्टेक्स X4 आता है, हीटिंग देगा जरूर। बैटरी लाइफ एफिशिएंसी में दोनों ही प्रोसेसर सिमिलर है, 4 नैनोमीटर TSMC के साथ आते हैं। टेकरूम स्कोर में 7 Gen 3 59 स्कोर करता है एंड 7+Gen 3 85 का स्कोर करता है। सभी लगभग चीजें 7+Gen 3 में ही बेटर है। 7+Gen 3 का सीपीयू काफी ज्यादा बेटर है, लेटेस्ट जनरेशन कॉर्टेक्स X4 देखने को मिलता है, तो ये कॉर्टेक्स A715 से तो मच बेटर है। उसके बाद कॉर्टेक्स A720 के और कोर मिल जाते हैं, तो ये परफॉर्मेंस कॉर्टेक्स A715 से और बेटर लाते हैं। कॉर्टेक्स A520 जो कि बैटरी एफिशिएंसी कोर है, क्योंकि कॉर्टेक्स A510 से बेटर है, 4 नैनोमीटर TSMC देखने को मिलेगा, एड्रिनो का 732 देखने को मिलेगा जीपीयू में जो कि एड्रिनो के 720 से बेटर आता है। 7 Gen 3 में आपको LTE Cat 22 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जबकि 7+Gen 3 में आपको LTE Cat 18 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। LPDDR5X 7+Gen 3 में होगा, UFS 4.0 7+Gen 3 में होगा, बेटर रैम बैंडविड्थ भी 7+Gen 3 में है, बेटर रैम फ्रीक्वेंसी भी 7+Gen 3 में है, ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको 7+Gen 3 में ही बेटर देखने को मिलेगा। 4K@60fps का सपोर्ट दोनों ही प्रोसेसर में आता है। ओवरऑल अगर आप सब कंक्लूड करेंगे तो 7+Gen 3 मच बेटर प्रोसेसर देखने को मिलेगा 7 Gen 3 के कंपेयर में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 7 Gen 3 काफी मतलब वैसा प्रोसेसर है, 7 Gen 3 में भी आपको 4 नैनोमीटर TSMC मिल रहा है, LPDDR5 रैम, UFS 3.1 स्टोरेज, तो ये सब चीजें 7 Gen 3 में भी अच्छी है। लेकिन आज का विनर जो रहेगा वो 7+Gen 3 है। अगर आप इन दोनों प्रोसेसर रिलेटेड कोई भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो मेरी वीडियो देखने आ रहा है उसकी हेल्प हो सके। अगर आपको इन दोनों प्रोसेसर रिलेटेड कोई भी स्मार्टफोन बाय करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप उस लिंक के थ्रू बाय करेंगे तो उससे मेरी हेल्प होगी। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।